अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद मुगल और आप देख रहे हैं द ऑल राउंडर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूट्यूब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। तो स्क्रीनशॉट आपको इस स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि जब हम यूट्यूब पर से अपनी वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर शो होती है। जब आप डाउनलोड के सेक्शन में जाते हैं तो वो इस तरीके की हो जाती है, जब आप उसको प्ले करेंगे तो वो प्ले भी नहीं होती ऑफलाइन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, और हाँ गाइस, एक वन क्लिक प्रोसेस आपको बताऊंगा कि सिंपल वन क्लिक करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और दूसरी बात कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो मैन्युअली यूट्यूब पर सर्च ना करनी पड़े और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़, ये है मेरे फ़ोन की स्क्रीन। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करके दिखाता हूँ। देखें, अभी मेरा फ़ोन डिसकनेक्ट है यहाँ से। मैंने कुछ वीडियो डाउनलोड करके रखी हैं और मेथड को अप्लाई करके भी चेक किया है कि इसका आउटपुट कैसा आया। तो जब ही आउटपुट अच्छा आया तभी मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं देखें डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखें, ये कुछ इस तरीके से, ये देखें, पहले मेरी मैंने जो मेथड अप्लाई किया था उसके बाद जो है मेरी वीडियो सही हुई थी, लेकिन मेथड को अप्लाई करने से पहले ये देखिए वीडियो कुछ इस तरीके से शो होती थी। उम्मीद कर आपके पास भी इसी तरीके से वीडियो शो होती होंगी। तो जैसे ही मैंने इस मेथड को अप्लाई किया तो आप देखें इस तरीके से मेरी ये वीडियोज़ बिल्कुल प्रॉपर हो गई। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा राइट हैंड पर दिए गए 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक, जिसे हम मेन्यू का बटन भी कहते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया। देन आपके बाद, इसके बाद आपको चले जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर आप जैसे ही जाएंगे गाइस, यहीं पर आपका फॉल्ट सॉल्व होने वाला है, मसला सॉल्व होने वाला है आपका। यहाँ पर आपको सिंपल यूज़ एसडी कार्ड को इनेबल कर देना है। असल में यह हुआ होगा आपके पास इनेबल, आपको सॉरी इसे डिसेबल कर देना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका कार्ड करप्ट हो जाता है। YouTube में डिफ़ॉल्ट जो है ये नहीं हुआ था कि कभी आपने गलती से इसको इनेबल कर दिया हो और आपका कार्ड जो होता है एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड अगर ख़राब हो जाता है, यानी कि करप्ट हो जाता है, या तो कोई बैक सेक्टर उसके अंदर आ जाए तो वो आपकी वीडियोस को इसी तरीके से अनडाउनलोड कर देता है, यानी कि वो डाउनलोड नहीं शो होती, साइन आपकी कुछ शो हो रहा होता है, वीडियो ओपन नहीं हो सकती। तो मेरे पास पहले कुछ इस तरीके से इनेबल था, आपको सिंपल यहाँ पर इसे डिसेबल कर देना है। तो देन उसके बाद आपकी वीडियोस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगी, आपके उसके बाद कोई मसला नहीं आने वाला। ये याद रखिएगा, इसकी सिर्फ एसडी कार्ड का ही फॉल्ट होता है, आपके यूट्यूब की एप्लीकेशंस का कोई फॉल्ट नहीं होता इसमें। आपका एसडी कार्ड अगर ख़राब हो जाता है तो ये इस तरीके से डाउनलोड आपको शो करता है। देखिए, मैंने मेथड को अप्लाई करने के बाद इस तरीके से मेरी बिल्कुल एक्यूरेट ओके हो गई थी यहाँ पर। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का एक एक पार्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा। लेकिन अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपके जहन में कोई सवाल है तो गाइज़ अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो गाइज़, इसी जुमले के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।